ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. वेलकम इन क्लास 10th फिजिक्स एंड आवर इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इन आवर ऑल द वीडियोस वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो वी हैड कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनसीईआरटी क्वेश्चन. ओके, सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वॉट एवर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, आइदर सोल्ड एग्जाम्पल और टेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन. ओके, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो. सो फर्स्ट वी टेक क्वेश्चन, वॉट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन. ओके, वॉट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, दिस डेफिनेशन वी ऑल्सो डिस्कस इन अवर नोट्स. सो हियर वी राइट अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ वे in which current can flow. Okay, first statement, electric circuit is the pathway in which electric current can flow. Electric circuit एक ऐसा pathway है जिसमें current flow हो सकता है. It consists of electric devices, switching devices, source of electricity, etc. that are connected by कंडक्टिंग वायर्स. ओके, मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स सच एज रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्सेस, स्विचेस. ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. ओके, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस मीन्स फैन, बल्ब. ओके, इलेक्ट्रिक प्रेस. स्विचिंग डिवाइसेस, स्विचिंग डिवाइसेस मीन्स की और स्विच टू ऑन और ऑफ द सर्किट. एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फॉर स्मॉल सर्किट वी कैन यूज सेल, एंड फॉर लार्ज सर्किट वी कैन यूज बैटरी, एंड ऑल्सो इन अवर हाउस होल्ड सर्किट अपने घरों में वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी बोर्ड और सर्विस मैन्स. ओके, जो पोल से बिजली हमारे घर में आ रही है, एक्सेट्रा, दैट आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर्स. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट. सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट, एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो we write the definition of unit of current. Okay, first one, you must remember that the unit of electric current is ampere. Okay, what is the unit of electric current is ampere. Okay, now how to define 1 ampere? When 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, it called 1 ampere current. Okay, so formula equal to I equal to Q by T. Okay, what is 1 ampere? When 1 coulomb of charge is flow in 1 second in a conductor is called 1 ampere current. Okay, so this is the definition of electric current. Write down the definition of unit of current. Okay, so our next question, calculate the number of electrons consisting 1 coulomb of charge. Okay, 1 coulomb charge में कितने electrons होते हैं ये आपको बताना है. Okay, we know that 1 electron possesses a charge of 1.6 इंटू 10^-19 कोलम. ओके, एक कोलम, एक इलेक्ट्रॉन में
ये इतने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम. ओके, सो व्हाट इज द फंडामेंटल फार्मूला? क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. दिस इज द फंडामेंटल फार्मूला बिकॉज दिस फार्मूला वी स्टडीड इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो क्यू इज द टोटल चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. सो वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. एन कितना होगा? हो जाएगा क्यू बाय ई. ओके, एंड वॉट इज क्यू? क्यू इज द वन कोलम. ओके, सो आई राइट हियर वन कोलम अपॉन ई. वॉट इज द वैल्यू ऑफ ई? वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम. ओके, कोलम कोलम कैंसिल. सो इफ यू सॉल्व दिस देन वी विल गेट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. ओके, इफ समवन हैज डिफिकल्टी टू सॉल्व दिस वैल्यू, सो राइट, लेट्स सी हियर. 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ओके, सो इफ रिमूव डेसिमल देन इट बिकम 10, एंड इफ यू कट बाय 2 5, एंड दिस इज द 8. ओके, सो दिस इज द 10 टू द पावर माइनस 18 माइनस 19. इफ वी मेक द पावर इन पॉजिटिव सो इट बिकम 5 बाय 8 इंटू 10 टू द पावर 19, बिकॉज 10 टू द पावर माइनस 19 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इट बिकम 10 टू द पावर 19. ओके, सो इफ आई राइट वन मोर थिंग, लेट्स सी हियर. If I write 50 by 8 into 10 to the power 18, here 19 and 18, okay? Because I write 10 here in place, 10 here in decimal place, in unit place of 5, so it becomes 50 and 50 by 8, okay? You can easily divide 4 and it's the 25, okay? So divide to become 6.25 into 10 to the power 18. ओके, यहाँ पर 10 to the power 19 था, एक जीरो हमने यहाँ पे काउंट करी और यहाँ पे बढ़ा दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कैंसिल कर लीजिए. सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कोलम चार्ज. ओके, राइट डाउन. सो क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. ओके, राइट द नेम ऑफ सम डिवाइसेस विच इज यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के दोनों एंड पर मेंटेन करने के लिए आप किस किस तरीके के डिवाइस यूज करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज सेल. Easily we can use cell to maintain the potential difference across the conductor, battery, power supply, etc. helps to maintain a potential difference across a conductor. Okay, these are the devices which is used to maintain a potential difference across a conductor. So please write the answer. So this is interesting question. What is meant by saying that the potential difference between two points is 1 volt? Okay, what is the meaning of saying that potential difference between two points is 1 volt? Potential difference is 1 volt किसी भी दो point का, तो इसका मतलब क्या है? आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ओके, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कोलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन इट इज सेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, एंड वी इक्वल टू क्यू बाय डब्ल्यू बाय क्यू, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला. ओके, सो what is the value of potential? 1 volt is what? 10 upon 1 coulomb. Okay, samjhiye isme.
सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. ओके, सो 1 वोल्ट का मीनिंग क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक कोलम चार्ज को ले जाने के लिए, अब यहां जितना वर्क डन नहीं, कितना 1 जूल का वर्क डन लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट. वही मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कोलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन इट इज सेड टू बी दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट. ओके, आप इस फॉर्मूले से याद रखिए, V equal to W by Q, so 1 volt equal to what? 1 joule upon 1 coulomb. Okay, right. So this is the 5 question. Okay, write all these 5 question in your fair notebook, and in our next video, we will move on next 5 question. Okay, thanks.